आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत कम समय में बनने वाला व्रत का नाश्ता, साथ ही बहुत कम मसालों का यूज़ करके बनाएंगे और इसमें इंग्रेडिएंट भी बहुत कम लगने वाले हैं। जब समय हो, कम लगी हो आपको व्रत में भूख, तो इस तरीके से हल्का फुल्का सा, टेस्टी सा, क्रिस्पी सा, मज़ेदार नाश्ता बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस नाश्ते की रेसिपी को। तो इसके लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया था, इसको एक घंटा मैंने थोड़े गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैंने दो मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, इसको मैश कर लिया है। तो ये हम साबूदाने में डाल देते हैं। इसके साथ हम ले लेते हैं यहाँ पे एक बड़ा चम्मच क्रश की हुई मूंगफली। ये रॉ पीनट मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा मिक्सी में डाल कर चला लिया। अगर आपके पास है तभी डालें, वरना इसके बिना भी बनाया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हम डाल लेते हैं व्रत का नमक। सेंधा नमक लिया है मैंने, आधा चम्मच डाल देंगे या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। दो कटी हुई बारीक हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में हरा धनिया, और डालेंगे यहाँ पे हम काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या तो चम्मच की हेल्प से मिक्स कर लें या फिर हाथों से भी इसको मिक्स किया जा सकता है। अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है ताकि जो भी हम इसका नाश्ता बनाएं तो अच्छे से उसकी बाइंडिंग हो सके। तो चम्मच से मिक्स करने के बाद में मैं इसे हाथ से भी मिक्स करूँगी। ये सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया, तो अब इसे हम बनाते हैं। मैंने यहाँ पे तवे को गरम करने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा इस पर हम ऑयल ग्रीस करेंगे। थोड़ा थोड़ा बैटर लेंगे, हाथों की हेल्प से इसे टिक्की जैसा शेप देते हुए तवे पे डालेंगे, या फिर इसके बड़े बड़े चीले भी हम बना सकते हैं। इसको हम दो मिनट के लिए सिकने देंगे और थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि चारों तरफ इसकी ऑयल चला जाए और ये अच्छे से सिक जाए। हमें स्लो गैस पर इसको सेकना होता है ताकि अंदर तक ये क्रिस्पी होने तक सिक जाए। तो इसकी एक साइड सिक के तैयार हो गई है, इसे पलट देते हैं। तो दूसरी साइड से हम इसी तरीके से अलटते पलटते हुए अच्छे तरीके से क्रिस्पी होने तक इसको हम सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये अच्छे से सिक चुका है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए बैटर का भी हम इसी तरीके से नाश्ता बना के तैयार करेंगे। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता, देखिए कितना अच्छा ये सिक के तैयार हुआ है। इसी तरीके से आपको भी इसको सेक के तैयार करना है। तो हम बचे हुए बैटर को भी तवे पर इस तरीके से दोबारा से डाल देते हैं और उसको भी हम क्रिस्पी होने तक सेक के तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना टेस्टी, कितना क्रिस्पी ये नाश्ता बनके तैयार हुआ है। जब भी आपको व्रत में छोटी मोटी भूख लगे, आप पहले से ही आलू उबाल के रख लें और इस तरीके से फटाफट से, झटपट से आप दो मिनट में नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना सकते हैं, जो छोटे बच्चे भी व्रत रखते हैं उनके लिए भी बना सकते हैं, तो आप भी बनाकर खा सकते हैं। तो कैसे लगी आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे।